गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आयरन से भरपूर हमारा ब्लड बढ़ाने वाला पालक और बैंगन का सब्जी, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई रहता है। और ये रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। पालक और बैंगन का जो कम्बिनेशन है, इतना मस्त कम्बिनेशन है ना, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे हम लोग के साइड में चैनसूर का साग और बैंगन का जो कम्बिनेशन है, उससे भी ज़्यादा अच्छा बैंगन और पालक का कम्बिनेशन का सब्जी काफ़ी टेस्टी होता है। आप लोग जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे लिया है पालक बैंगन और इसको हम आज बनाएंगे भाजी। चलिए अभी सबको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और आप सबको एक बात और मैं बताने वाली हूँ, पालक धो के कट करेंगे, क्योंकि अगर कट करके धोया तो उसमें से जो भी विटामिन से वो निकल जाएंगे। और साथ ही एक बात और मैं बताने वाली हूँ ट्रिक के साथ, जब भी आप कोई भी हरे पत्ते वाली साग धोए, उसमें नमक डाल के धोए, ताकि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। हमने पालक को बड़े बर्तन में पानी के साथ रख दिया है और साथ ही नमक भी डाल दिया है और 5 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ, ताकि इसमें का जो भी गंदा हो, कीड़े मकोड़े हो, सब निकल जाए। हमने पालक को 5 से 6 पानी जितना अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही बैंगन को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। हम लेंगे हाथ में, अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग कट करेंगे, एकदम छोटा छोटा। ये देखिए, ऐसे ही आप लोग भी कट कीजिएगा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा काटना है। ऐसे ही करके हम सब पालक को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैंगन का डंठल निकाल के इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। हमको छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं करना है इसको। साथ ही मैंने लिया है 2 छोटा प्याज और 1 मीडियम साइज टमाटर, इसको भी चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ तड़के के लिए लिया है तेजपत्ता, लाल मिर्च, राई, मरीच और दालचीनी के 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़े आप लोग जरूर लीजिएगा, इससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच जितना ऑयल रखा है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब रखेंगे राई। इसके बाद एक चटक जाएगा तो मरीच डालेंगे, साथ ही हम लोग सब डाल देंगे। और साथ ही हम लोग रखेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन। हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, तो 1 मिनट जितना भूनेंगे। हमने प्याज को 1 मिनट भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे बैंगन और पालक, दोनों साथ में ही डालेंगे, क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। बैंगन भी जल्दी गल जाता है और पालक भी जल्दी गल जाता है। इसी दौरान हम लोग डालेंगे 2 चम्मच जितना नमक, अब अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और 1 मिनट जितना इसको भी भूनेंगे, तब इसमें हम लोग डालेंगे मसाले। अब हमारा 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के जीरे धनिया का पाउडर। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से चला के 5 से 7 मिनट जितना भूनेंगे,
लो टू मीडियम फ्लेम में। इसको ढक के पकाएंगे। हमारा बैंगन और पालक आधा कुक हो चुका है। इसी दौरान हम लोग डालेंगे टमाटर। इस टाइम डालने का रीजन ये है, हमारा जो टमाटर है ज़्यादा नहीं गलेगा और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए पानी छोड़ दिया है। ये देखिए हमारा बैंगन और पालक अच्छे से पक चुका है। और मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली, आप ऐसे भी खा सकते हैं पर मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली। इसमें डालूंगी आधा गिलास इतना पानी। और मैं जो बना रही हूँ लटर पटर टाइप का होगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा। और इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट जितना पका लेंगे। अब हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। अब हम गैस को अप कर देंगे। अब लगाएंगे हम इसमें फाइनल तड़का। अब मैंने छोटा पैन रख लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल है, ये गर्म हो चुका है। इसी दौरान हम लोग डालेंगे कटा हुआ लहसुन। ये ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च 1 पिंच हींग। और यहीं पर हम लोग ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च। और लगा रहे हैं फाइनल तड़का। ये देखिए ये देखिए दिख रहा है ना, एकदम टेस्टी सा यमी सा पालक और बैंगन का सब्जी। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, खाइए और बनाइए फिर हमें बताइएगा। अब आप सबको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये रहा हमारा फाइनल लुक, राइस और सैलेड और बैंगन और पालक का सब्जी। ये बनने के बाद काफ़ी मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी तो है ही। आप लोग ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा बना। और हाँ दोस्तों, एक इतना मेहनत करते हुए एक तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।